देखिए सीबीआई की कार्रवाई जहाँ तक है तो बहुत रूटीन सा है, मतलब सीबीआई सबको पता है कि सीबीआई रिमांड लेने की कोशिश करेगी और उसके लिए अपने कुछ तथ्य सामने रखेगी। चूँकि इन्वेस्टिगेशन बहुत बड़ा है, बहुत सारे एक्यूज़ अरेस्ट हैं, बहुत के साथ आमना सामना कराना है, कई तरह के एविडेंस सीबीआई के हैं, तो सीबीआई जो है उस आधार पर रिमांड मांगेगी। दरअसल में खबर तब पलट सकती है कि जो कि बेल एप्लीकेशन लगाई है उसमें अगर कुछ हो जाता है, यानी कि मनीष सिसोदिया की बेल पे बेल मिल जाती है, तब ये खबर अचानक से बदल जाएगी और ये खबर फिर से सियासी खबर बन जाएगी। लेकिन फिलहाल ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि सीबीआई की पूरी कोशिश है कि इस पूरे मामले में जो सीबीआई की जो सोर्सेस से जानकारी मिली है कि सीबीआई रिमांड मांगने की तैयारी में है और रिमांड मांगेगी अपनी जाँच पड़ताल को आगे बढ़ाने में। और इसके पहले इसी बीच ईडी ने एक अमनदीप ढल को, जो शराब व्यवसायी हैं, इस केस से वो भी आरोपी हैं, उनको गिरफ्तार किया है। तो प्रवर्तन निदेशालय की जांच पड़ताल, सीबीआई की जांच पड़ताल एक तरीके से शेयरिंग बेसिस पे चल रही है, तो सबसे मिलाज ला के पूछताछ करेंगे, मतलब उनके दस्तावेज का भी आमना सामना कराया जाएगा या कराया जा रहा होगा। तो ये तमाम ऐसी बहुत चीज़ है सीबीआई के पास जिसके आधार पर वो रिमांड मांगेंगे। और अभी तक का जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव कहता है, इस तरह की जाँच पड़ताल में रिमांड मिल जाता है। हाँ, कोई ऐसी बात हुई कि कुछ ऐसा नहीं हुआ, अदालत को लगा कि नहीं, तो हो सकता है कि बेल पे कोई ऐसा चमत्कार हो जाए। इसीलिए मैं चमत्कार शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि इस स्टेज पे बेल मिलना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन बेल एप्लीकेशन लगाई गई है सिसोदिया की तरफ से, ऐसी जानकारी जो मिल रही है। तो फिलहाल सीबीआई का एक्शन जो है वो ये है कि इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए वो रिमांड मांगेंगे। 14 दिनों की रिमांड मिल सकती है, उसके बाद मतलब एक एफआईआर में एक अक्यूज़ को इस केस में 14 दिनों की रिमांड मिल सकती है, 5 दिन की मिल चुकी है। और आगे इस जानकारी मिली है कि 5 दिन की और या फिर 4 दिन की और सीबीआई रिमांड मांग सकती है, और उसके लिए अपने दस्तावेजी प्रमाण लगाएगी, मतलब अपने तर्क रखेगी, रिमांड किस आधार पर और बढ़ाया जाए। तो फिर अदालत। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।